हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। मैथ की वीडियो का टाइमिंग आपका 11 से 12 के बीच में अपलोड होती है वीडियो। अभी 2-3 दिन से 1 बजे अपलोड हो रही है क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो दोबारा से अपलोड करनी पड़ती है, तो थोड़ा सा आप भी कोऑपरेट किया करें जब थोड़ी वीडियो लेट आती है, पर वीडियो आएगी डेली, इस चीज़ से निश्चिंत रहिएगा। और देखिए, रेलवे, एसएससी, पुलिस सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहती है। यूपीपी 2018 का पेपर आने वाला है तो प्लीज़ आप भी थोड़ा मेहनत से और सीरियसली वीडियो को देखा करें। रेलवे वाले तो अच्छे से लगे हुए हैं और एसएससी वाले भी जो हमारे साथ में बच्चे जुड़े हुए हैं। जो दोस्त अभी तक हमारे चैनल के साथ में नहीं जुड़ा है तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके इस बेल आइकन को जरूर ऑन कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। रीजनिंग और करंट अफेयर का टाइमिंग आपका 6 से 8 है और लाइव टेस्ट का टाइमिंग आपका 10 बजे रात को है। और देखिए दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ, वहाँ पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की। अगर आपको वीडियोस देखनी है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। 1-2 वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, वहाँ से जाके भी आप उन्हें देख सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराने वाला हूं। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनका आपको पता नहीं होता कि कैसे करना है, इनकी बहुत अच्छी ट्रिक मैं बताने वाला हूं, ठीक है। और अच्छी लगे तो यार लाइक जरूर कर दिया करें, थोड़ा लाइक कर देंगे तो मोटिवेशन मिलता है, मुझे पता चलेगा कि आपकी समझ में आता है। तो पहला क्वेश्चन है, किसी बर्तन में 50 लीटर द्रव्य रखा जाए, उसमें से 5 लीटर द्रव्य निकालकर इतना ही एक दूसरा द्रव्य डाल दिया जाए जाता है। पुनः इस मिश्रण से 5 लीटर निकालकर इतना ही दूसरा द्रव्य डाल दिया जाता है और यह क्रिया 3 बार की गई। अंत में बर्तन में पहले द्रव्य की कितनी मात्रा रह जाएगी? तो एक बार थोड़ा सा पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। एक बर्तन है जिसमें 50 लीटर कोई द्रव्य रखा है, क्वेश्चन में बोला गया है कि उसमें से 5 लीटर द्रव्य निकाला जाता है, यानी कि जो भी इसमें रखा होगा वो हमने निकाला 5 लीटर और दूसरे वाला डाल दिया। तो पहले कंडीशन में क्या रहा होगा कि जब इस द्रव्य में से हम 5 लीटर निकालेंगे और नया वाला डालेंगे तो अब इसमें जो बन गया, अब इसमें एक मिक्सचर बन गया, ठीक है, जो पहले इसमें था और जो दूसरा नया आ गया। तो ये वाली कंडीशन से आपका क्वेश्चन पूरा चेंज बन जाता है। अगर ये इस कंडीशन को सिर्फ एक बार ही रिपीट करते तो हम पता लगा सकते थे कि इस बर्तन में पहले वाला द्रव्य कितना बचा, क्योंकि पहले वाला द्रव्य सिर्फ 45 किलो बच जाता। जब 5 पहला निकाला जाए और दूसरा नया डाल दिया जाए तो पहले वाला कितना बचेगा? 45। पर दूसरी कंडीशन क्या चेंज होती है आपकी, जब इसमें से 5 निकाला जाता है और फिर 5 ही डाल दिया जाता है तो इसमें क्या बन गया? मिक्सरन। फिर दूसरी बार जब निकाला जाता है और दूसरी बार फिर डाला जाता है, फिर दूसरी बार मिक्सचर निकाला जाता है, ना कि पहले वाला द्रव्य। तो यही वाली क्रिया जब 3 बार रिपीट होती है तो पूरा का पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाता है। तो इसके लिए एक ट्रिक होती है, इस ट्रिक को आपको याद कर लेना है, ठीक है। बहुत सिंपल सी ट्रिक है और इसका बहुत जगह और भी जगह यूज होता है। तो क्या है ट्रिक? एक्स और ब्रैकेट में x माइनस वाई अपोन में x और n, n का मतलब यहाँ पे कितनी बार रिपीट हुआ है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, x की जगह आपको रखना है जो बर्तन में द्रव्य होगा, पहले से जो होगा वो x की जगह रखना है, और y जो निकाला जाता है। तो इस फॉर्मूले में हम पुट करके देखते हैं पूरा जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। 50 आपका जो द्रव्य है, टोटल द्रव्य कितना है? 50 है, तो हमने यहाँ पे रख लिया ये 50। अब x में से, यानी कि x जो होगा माइनस y करेंगे तो 50 में से जो 5 वाला जो बार बार निकाला जा रहा है, 3 बार रिपीट किया गया है, उसको 5 को माइनस कर देंगे और नीचे फिर 50 रख देंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब जितनी बार रिपीट किया जाएगा यहाँ एन की जगह वो वाली वैल्यू रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 2 बार रिपीट किया जाए तो 2 बार, 3 बार किया जाए तो 3 बार, और 4 बार रिपीट किया जाए तो 4 बार, और चाहे जितनी बार भी रिपीट किया जाए यहाँ एन की जगह रख देंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये वाला फॉर्मूला आपका ये ट्रिक जब भी अप्लाई होगी, जब एक ही सेम वैल्यू यानी कि 5 लीटर बार बार निकाला जा रहा है और 5 लीटर डाला जा रहा है। अब कंडीशन ये भी तो हो सकती है कि 5 लीटर पहली बार के में 5 लीटर निकाला गया और 5 लीटर डाल दिया गया, दूसरी कंडीशन में 10 लीटर निकाला गया और 10 लीटर डाल देगा, तो उसका थोड़ा सा चेंज होता है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो को देखते रहिए। तो अब बस आपका पूरा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, आपको क्या करना है? कैलकुलेशन करनी है, जितनी फास्ट आप कर सकते हैं उतनी इजीली आप आंसर निकाल सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे 50 और 50 में से 5 जाएंगे तो 45/50, और यहाँ पे ये 3 आ गया। अब इसको काट लेंगे, जो अंदर का है 5 से काटेंगे तो कितना चले जाएगा? 9, और ये 10 टाइम। अब ये 9/10^3 आ गई, तो हम इसको सोल्व नहीं करेंगे, ठीक है। वैसे तो क्यूब भी इसका आसान है, बट हमें इसको इजीली कर सकते हैं जब 3 बार इसको लिख लेंगे, 50 × 9/10 × 9/10 और 9/10, ये लिख करके हम अब यहाँ पे इजीली एक कट सकता है। तो कैसे काटेंगे? 0 से 0 कट जाएगी, 5 से कट जाएगा 2 बार 10, ठीक है। तो कितना बच गया? ऊपर बच गया 3, 9, यानी कि 9 का क्यूब,
ठीक है, या फिर तीन बार आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 की 9 में करेंगे 81 और 81 की 9 में करेंगे तो 729 आ जाएगा, और नीचे 2 की 10 में करेंगे तो 20 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 729 को 20 से तो कितना जाएगा 36.45, ये आंसर आ जाएगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूरा पूरे चांसेस हैं आपके एग्जाम में पूछे जाने के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब मतलब कि अलग अलग क्वांटिटी निकाली जा रही है और अलग अलग क्वांटिटी ही डाली जा रही है, पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। एक बर्तन में 40 लीटर ग्लिसरीन है, उसमें से 5 लीटर ग्लिसरीन निकालकर इतनी ही पानी डाल दिया गया, इसके बाद 10 लीटर मिश्रण निकालकर, देखिए दूसरी वाली कंडीशन में उन्होंने ग्लिसरीन नहीं बोली, मिश्रण बोला है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब पहली बार किसी बर्तन में 40 लीटर ग्लिसरीन होगी तो उसमें से 5 लीटर निकाली जाएगी और 5 लीटर वाटर डाल दिया जाएगा, तो पहली कंडीशन तो सही है। अब जो ये 5 लीटर वाटर डाला गया, अब इसमें क्या हो गया, 35 लीटर ग्लिसरीन हो गई और 5 लीटर वाटर हो गया, यानी कि अब एक मिश्रण बन गया है। ठीक है ना, मिश्रण बन गया, जब दो चीजें मिल जाती है तो मिश्रण बन जाता है। तो ये दूसरी वाली लाइन में इन्होंने क्या बोला, इसके बाद 10 लीटर मिश्रण निकाला गया और इतना ही पानी डाल दिया गया। ठीक है, पुनः 8 लीटर मिश्रण निकालकर इतना ही पानी डाल दिया गया, अब अंत में बर्तन में ग्लिसरीन की कितनी मात्रा रह जाएगी। तो ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया थोड़ा सा चेंज, जिसमें अलग अलग क्वांटिटी बार बार निकाली गई है। ठीक है, तो फॉर्मूला अभी भी आपका वही यूज होगा। ठीक है, पर यहाँ पे एन नहीं लगाना है। ठीक है, बस आपको जितनी बार भी ये बोले उतनी बार ही इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। तो देखिए बहुत आसान है ये, उससे भी ज़्यादा आसान है। ठीक है, उसमें तो आपको क्यूब निकालना भी पड़ सकता है, निकालना क्या पड़ सकता है, उसमें भी बिल्कुल वैसे ही करना है और इसमें भी वैसे ही करना है, कोई चेंज नहीं है। पर ये क्वेश्चन टाइप इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाता है। कई बार आपको ये फॉर्मूला पता होते हुए भी कहेंगे यार ये कैसे अप्लाई करेंगे, अब तो ये अलग अलग क्वांटिटी निकाल रहे हैं बार बार। तो क्या करना है, x की जगह हम 40 रख देंगे, जो कि बर्तन का, जो बर्तन में मिश्रण है, जो ग्लिसरीन है, जो भी है, ठीक है ना, वो तो रख देंगे हम यहाँ पे। फिर जितनी निकाला जा रहा है और फिर उतना ही वाटर मिक्स किया जा रहा है, पानी मिक्स किया जा रहा है, तो वो बार बार लिखते रहेंगे। भाई पहली बार में 5 निकाला गया तो x माइनस 5 करेंगे, यहाँ पे x माइनस वाई करते हैं ना, तो डायरेक्ट मैंने अब की बार ये लिखा नहीं है, एक ही लाइन में सोल्व हो जाएगा, 35/40 हो जाएगा। ठीक है, 40 में से 5 जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा। फिर दूसरे कंडीशन में इन्होंने 10 निकाला गया, 10 मिश्रण निकाला गया, यानी कि 40 में से फिर 10 निकालेंगे कितना बच जाएगा, 30/40, ये हो गया। फिर तीसरी कंडीशन में क्या बोला गया कि 8 लीटर मिश्रण निकाला गया, यानी कि 40 में से 8 निकालेंगे तो 32/40 ही हो जाएगा। बस अब आपका क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, जितनी जल्दी आप इसको काट सकते हैं उतनी जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी सबसे पहले इनको काट लेते हैं जो ऊपर नीचे है, तो इसको काटेंगे 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 8 से, और इसको काटेंगे 7 से, इसको काटेंगे फिर ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6, और यहाँ पे देखिए इसको भी काटेंगे तो ये भी कट जाएगा आपका 8 से, और ये कट जाएगा 8 से 4 टाइम। अब और चीज़ें देखते हैं क्या क्या कट सकती है, 5 से ये कट जाएगा 40 8 टाइम, और 8 से ये 8 कट जाएगा, बाकी अभी बचता क्या है, 4 से फिर ये 8 कट जाएगा 2 टाइम, और ये 2 से 6 कट जाएगा 3 टाइम, तो अभी क्या बच गया, 7 और 3 बच गया। अगर आप देख पा रहे होंगे तो 7 या 21, 21 लीटर आपका बच गया है पहले वाला ग्लिसरीन, जब ये वाली रिपीटेशन होती है। ठीक है, जब बार बार 5 लीटर निकाला गया, फिर 10 लीटर निकाला गया और उतना ही पानी डाल दिया गया, 5 लीटर निकाला गया फिर पानी डाल दिया, फिर 10 लीटर निकाला गया फिर पानी डाल दिया, फिर 8 लीटर निकाला गया फिर पानी डाल दिया, तो इसके बाद जो एंड में क्वांटिटी बची है वो ग्लिसरीन की कितनी बची है, 21 लीटर बची है। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। देखिए मैं जो डेली वीडियो लेके आता हूँ ना, कभी भी आपको कुछ धोखा नहीं मिलेगा उसमें कि कुछ भी मैं बता के चले जाऊँ, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, तो वीडियो को सीरियस होकर देखा करें। देखिए एक ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, जब दो मिश्रित धातुओं में तांबा और जस्ता है मान लीजिए, ठीक है, का अनुपात क्रम 5 और 2 है और 8 और 5 है, दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि तीसरी मिश्र धातु तांबा और जस्ता का अनुपात 9:4 हो जाए। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखिए दो अलग अलग मिश्र धातुओं के, मान लीजिए दो बर्तन है अलग अलग, ये है जिसमें मिश्र धातु तांबा और जस्ता किसमें है, 5 और 2 के रेशों में है। फिर एक और बर्तन है जिसमें तांबा और जस्ता 8 और 5 के रेशों में है। ठीक है, ये दो बर्तन हो गए। अब इन्होंने बोला है कि एक नए बर्तन में अगर हम इन दोनों का मिश्रण बनाया जाए, यानी कि जस्ता तांबा और जस्ता का एक नया मिश्रण बनाया जाए और जो कि 9:4 का हो, ये भी बता दिया, तो किस रेशों में मिला के ये वाला बना है,
किस रेशो में मिला के ये वाला रेशो बना है तांबा और जस्ते का। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है और इस क्वेश्चन का हवा बना के रखते हैं कि कैसे होगा। देखिए मैं बताता हूँ आपको, इस क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम बस एक चीज का ध्यान रखना है, किसी भी एक चीज को उठा लीजिए, या तो तांबे को उठा लीजिए या जस्ते को उठा लीजिए, और उसका रेशो यानी कि यहां से भी बस आपको तांबा उठा लेना है, ठीक है। तांबे का रेशो क्या है, तो तांबे का रेशो अगर हम एक्चुअल में देखें तो क्या हो जाएगा, देखिए आप इतना तो आपको पता होगा ना कि 5/7 होगा तांबे का यहाँ पे, और जस्ते का कितना हो जाएगा 2/7, क्योंकि क्या करते हैं नीचे क्या लिखते हैं दोनों को प्लस करके और जिसका रेशो वो होता है ऊपर वो लिखा जाता है। तो 5/7 तांबे का इसमें हो जाएगा, दूसरे वाले बर्तन में 8/5 प्लस करेंगे तो 8/13 तांबा हो जाएगा, और इस बीच वाले में कितना हो जाएगा 9/13 तांबा हो जाएगा, ठीक है। अब बस अब आप इससे रेशो निकाल सकते हैं कि किस रेशो में मिलाया गया है। ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट और आपका करेक्ट मेथड है, इससे आप ये मत सोचिएगा कि कुछ भी मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छा मेथड है और 100% आंसर सही आएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसमें से इसको माइनस कर देना है, इसको इसमें से माइनस कर देता है, जैसे हम एलिगेशन लगाते हैं। पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है इसका तो उसको जरूर देख लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया था उसमें भी, और पूरी प्लेलिस्ट जिसमें 80 वीडियो है आपकी मैथ की तो उसे जरूर देख लीजिएगा। अगर उसे देख लेते हैं तो मैथ का मोस्टली पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे, 8/13 में से 9/13 को माइनस करेंगे तो आप सभी को पता है जब भी बेस सेम रहता है तो क्या हो जाता है, ऊपर का माइनस हो जाता है या फिर जो भी बोला जाता है, तो ऊपर ऊपर का माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/13। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा आपका, 5/7 में से या 9/13 में से इनको माइनस करेंगे दोनों को तो कितना आ जाएगा 2/91। बस अब आपका रेशो आ गया, इन दोनों का रेशो निकालने के लिए क्या करेंगे 1/13, या आप डायरेक्ट इसको कट कर सकते हैं यहाँ से 7 से, तो 7 यहाँ पे रख देंगे तो 7:7:2 आ जाएगा, सिंपल। यहाँ पे अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आते तो इन दोनों का एलसीएम भी 91 हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, 13 से इसको काटेंगे 7 टाइम तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 की 1 में गुना करेंगे तो 7/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए मोस्टली आपको बता दूं कि कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है, जो मैं मेथड आपको सिखा रहा हूँ मेथड आपकी समझ में आ रहा होगा, उसके बाद जितने क्वेश्चन आप कर सकते हैं, तो अगर आप मैक्सिमम क्वेश्चन करते हैं तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी और आप इजीली सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन को फास्ट करने की कोशिश करें, कॉन्सेप्ट आप समझ ही रहे होंगे जितने भी मैं बता रहा हूँ, जितनी भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ अभी तक 80-90 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो अगर आपने सारी देखी होगी आप सारे कॉन्सेप्ट सीख गए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। सोने और तांबे के दो मिश्र धातुओं के क्रम 7:2 तथा 7:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया है। दोनों, देखिए इसमें थोड़ी सी कंडीशन चेंज होगी, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनने वाला है। दोनों मिश्र धातुओं के समान मात्रों को पिघालकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है, बनाई गई या फिर, तो बताइए तीसरी मिश्र धातु में सोना और तांबे का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे आपको रेशो नहीं दिया गया है, तीसरी वाली जो धातु बनाई गई है पूछा गया कि इन दोनों में से किस रेशो में मतलब निकाला, एक इक्वल रेशो में गया है, 7:7:2 और 7:11 के में से एक ही मतलब सेम रेशो में निकाला गया है, तो नया रेशो क्या बनेगा, ये पूछा गया कि नया रेशो क्या होगा, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को आप भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन समझ में आना बहुत जरूरी है, ऊपर वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे सोना है इसका रेशो क्या होगा, पहले वाले ये भी आप यहाँ भी ये मान सकते हैं कि दो अलग अलग बर्तन है, बकेट है, जो भी मान सकते हैं, तो उसमें एक में 7:2 का रेशो है, एक में 7:11 का रेशो है, ठीक है। तो सोने का अगर रेशो देखा जाए तो कितना हो जाएगा 7/9, 7+2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7/9 पहले वाले बर्तन में, दूसरे वाले में 7/18 हो जाएगा, 7+11 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7/18, ये हो गया दूसरे वाले बर्तन में। तो सोने का टोटल कितना हो गया, अगर हम सोने की बात करें, देखिए यहाँ पे केस क्या बनता है कि आपको दोनों को अलग अलग प्लस करके बाहर लिख लेना है और वही आपका रेशियो निकल के आएगा एंड में। क्वेश्चन बहुत सिंपल है बट इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा आपको पढ़ने में गलती कर दे तो क्वेश्चन को गलत करने के पूरे चांसेस होते हैं। तो क्या हो गया, यहाँ पे इन दोनों को प्लस कर लेंगे, फिर तांबे का ऐसे निकालेंगे, तांबे का कितना है 2/ यहाँ पे देखिएगा तांबा ही है ना, सबसे पहला क्या है आपका सोना और दूसरा तांबा, तो 2/9 हो जाएगा आपका तांबा, और दूसरे वाला फिर 11/7 हो जाएगा, सॉरी 18 हो जाएगा तांबा दूसरे वाले बर्तन में। इन दोनों को प्लस करो और इन दोनों को प्लस करो तो क्या निकल के आएगा 21/18,
ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा 15/18, दोनों को प्लस करेंगे ना भाई, नीचे आ जाएगा एलसीएम। देखिए मैं करके बता देता हूँ, नीचे आ गया आपका 18 और ये हो गया 9 से काटेंगे दो, इसे 18 को 2 बार तो 7 × 2 = 14 और प्लस ये आपका 18 से 18 काटेंगे 1 बार तो 7 × 7 तो 21/18 आ गया। अब इस वाली कंडीशन में यहाँ पे एलसीएम तो 18 आ ही जाएगा, जब सेम आपका 9 और 18 का एलसीएम 18 ही आ जाएगा। और ऊपर क्या करेंगे, 9 से इसको कट करेंगे 2 बार तो कितना आ जाएगा, 18 को कट करेंगे 2 बार तो कितना आ जाएगा 4, क्योंकि 2 है ऊपर, 2 × 2 = 4 प्लस 11 तो कितना हो जाएगा आपका 15/18। तो अब इससे रेशो आपका निकल चुका है 21/18, 15/18 का रेशो क्या होगा, बेस सेम है तो 21:15 ही हो जाएगा आपका। और इसको कट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 7:5 का रेशो बन जाएगा। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आए होंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम रहती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। वीडियो कैसी लगी वो भी बता सकते हैं, कि वीडियो एंड तक किसने देखी वो भी बता सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा यार, आजकल व्यू बहुत कम आ रहे हैं तो ऐसे नहीं चलेगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो यार प्लीज़ शेयर भी कर दिया करें। मैं आपको पहले शेयर करने के लिए नहीं बोलता था, पर आप शेयर करने के लिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। अगर ऐसे चलता रहा तो फिर वीडियो नहीं बन पाएगी, क्योंकि व्यूज़ के लिए ही वीडियो बनाई जाती है। अगर आप नहीं देखेंगे तो फिर ये बताइए मेरा क्या फ़ायदा रहेगा, नहीं मैं कुछ कर पाऊंगा और नहीं मन करता है फिर वीडियोस बनाने का। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें, कमेंट करके बता दिया करें। और जिसने पहली वीडियो नहीं देखी ना तो ये समझिए आपने बहुत कुछ मिस कर रखा है। सारी वीडियो देख लीजिए, प्ले लिस्ट में 80-90 वीडियो हो चुकी हैं, रीजनिंग की 40-50 वीडियो हो चुकी हैं, आपकी करंट अफेयर डेली चल रही है जिसमें आपकी 6-7 वीडियो हो चुकी हैं करंट अफेयर की, और प्लस आपका बहुत कुछ हो चुका है। सभी की प्लेलिस्ट मैंने नीचे दे रखे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को हमेशा चेक किया करें, कुछ ना कुछ नया वहाँ पे मिलता है। तो चलिए फिर कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। गुड नाइट, टेक केयर।